जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो खुद के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और इस सोसाइटी के लिए, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, लोकप्रियता ज्यादा हासिल करना चाहते हो, तो ये वीडियो पूरा देखना, 10 मिनट अपनी जिंदगी के इस वीडियो को पूरे देना। और यदि यूट्यूब पर आप सिर्फ इसमें तेरा घाटा मेरा क्या जाता देखने आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, अभी आप जा सकते हैं। मैं ये कहूंगा इसमें मेरा क्या घाटा, इसमें तेरा जाता, ठीक है? तो चलें, मैं क्या करने वाला हूं आज, आज मैं आपको अपने जीवन के विषय में भी थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा, ठीक है? अपने एग्जांपल से कि मेरी, मैं डॉक्टर के रूप में मेरी क्या स्थिति है, मैंने कैसे स्ट्रगल किया ये, लेकिन साथ ही साथ में 3 केस सिनेरियोस के द्वारा मैं आपको समझाने वाला हूं कि अपने इर्द गिर्द लोकप्रियता और भीड़ एक हेल्थ प्रोफेशनल या कोई भी, लाइक कि फॉर एग्जांपल मैं फिजियोथेरेपिस्ट, MBBS डॉक्टर, BMS डॉक्टर, ऑडियोलॉजिस्ट, ड्यूटिशियन, इस तरह के जितने भी व्यवसाय हैं जहां पर हमें खुद को ब्रांड करना होता है, हमारे इर्द गिर्द हमारा प्रोडक्ट, हम खुद एक प्रोडक्ट होते हैं, उस पर मैं 3 केस सिनेरियोस के द्वारा आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं कि कैसे एक इस तरह के प्रोफेशनल के रूप में आप ह्यूज सक्सेस हासिल करें, ठीक है? और साथ ही साथ में मेरा अपना जीवन में मैंने क्या किया और क्या मैंने कोई गलतियां की, वो सब मैं थोड़ा सा ग्लिम्स बीच में या अंत में दूंगा, पूरा देखना, स्टे कनेक्टेड। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का सबसे विश्वसनीय स्वास्थ्य चैनल। पहला है डॉक्टर ए, डॉक्टर बी और डॉक्टर सी। 3 डॉक्टर्स के हम केस सिनेरियो लेने वाले हैं, केस स्टडी के रूप में इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ध्यान से समझते रहना। तीनों ही इक्वली क्वालिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्या फिजियोथेरेपिस्ट ले लें, एक फिजियोथेरेपिस्ट है जो कि अपना कंप्लीट क्वालिफिकेशन लेकर BPT फिर MPT करके तीनों एक जगह पर एक ही प्लेस में डिसाइड करते हैं प्रैक्टिस करना, ठीक है? तो सबसे पहले वो एक अपने लिए प्रॉपर लोकेलिटी आइडेंटिफाई करेंगे जहां पर उनकी प्रैक्टिस चल सके, जहां पर लोग हों, जहां पर एक बड़ी कॉलोनी हो या एक सिटी का सेंटर हो, इस तरह का जो भी, वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन के अनुरूप एक जैसे क्लिनिक किराए पर लेते हैं, ठीक है? ए, बी और सी तीनों ये काम एक सा करते हैं, ठीक है? अब बात आती है कि डॉक्टर ए जो है, फिजियोथेरेपिस्ट जो है, वो बेहद ही अच्छा इंसान है, ठीक है? बहुत अच्छा इंसान है, उसमें बहुत केयर गिविंग एटीट्यूड है, वो लोगों को सर्व करना चाहता है, सर्व करते हुए अपनी रोजी रोटी, अपना नाम कमाना चाहता है, ठीक है? वो अपना क्लिनिक खोलता है, तीनों के क्लिनिक हम एक से सेटअप कर लेते हैं, ये बिल्कुल एक से हैं, आइडेंटिकल सेटअप, सब कुछ एक सा, ठीक है? अब वो बैठता है, बोर्ड लगा के बैठा रहता है, लेकिन उसके पास पेशेंट्स नहीं आते। एक दिन निकल जाता है, 2 दिन निकलता है, 3 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 7-8 दिन में एक कोई मरीज आता है, वो बड़ा खुश होता है, उसको बहुत अच्छे से देखता है, बहुत अच्छे से एंटरटेन करता है, मुस्कुरा कर बात करता है, उसकी तकलीफ का ध्यान रखता है, उसको फोन नंबर देता है अपना कि एनी टाइम यू कैन कॉल मी इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, इस तरह का उसका एटीट्यूड है। डॉक्टर बी क्या करता है, वो भी क्लिनिक खोलता है, उसके मन में भी सेवा भावना है, बहुत अच्छे से प्रोफेशनली देखना चाहता है पेशेंट्स को, बहुत केयर से, बहुत मेहनत से, लेकिन वो पहले दिन से ही सिर्फ बैठता नहीं अपने क्लिनिक में, बचे हुए टाइम में वो क्या करता है, वो इर्द गिर्द के डॉक्टर से जाकर मिलता है, जैसे कि उसके पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्लाइंटेज कहां कहां से आ सकता है, जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, सेरेब्रल पॉलिसी वगैरह के केसेस भेज सकते हैं, उनसे जाकर मिलता है, मेडिसिन विशेषज्ञ जहां पर बुजुर्ग आते हैं उनसे जाकर मिलता है, ऑर्थोपेडिशियन से जाकर मिलता है जहां पर हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम्स के लोग आते हैं, उन सबको बताता है कि उसने क्या क्वालिफिकेशन किया है, एक प्यारा सा खूबसूरत सा कार्ड छपवा लेता है और उनको देखकर आता है कि उसके क्लिनिक पर क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या वो करता है, और उनको रिक्वेस्ट करता है कि सर प्लीज हेल्प मी, मैं ये करता हूं और आपके पेशेंट्स को मैं बहुत अच्छे से डिलीवर करूंगा। वो ये बोलकर आता है लेकिन किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट को बिना अफेक्ट किए, साथ ही साथ में वो इर्द गिर्द के जो अच्छे जिम होते हैं, जिमनेशियम्स, वहां जाकर जिम इंस्ट्रक्टर्स और जिम के जो मालिक हैं उनसे जाकर मिलता है और वो बोलता है कि आपके यहाँ पर कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए फिजियोथेरेपी किसी आपके क्लाइंट को तो आप मेरे पास भेज सकते हैं, मैं उसको सब्सिडाइज ट्रीटमेंट दूंगा। साथ ही साथ में जब वो प्रैक्टिस जब ये जब कर लेता है, साथ ही साथ में वो डायरेक्ट कम्युनिटी में रीच करने के लिए
एक फ्री कैंप ऑर्गेनाइज करता है। हर 15 दिन में वो एक शेड्यूल बना देता है कि हर 15 दिन में जो बुधवार आएगा मैं उस दिन फ्री कैंप करूंगा, एक जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देखूंगा। तो फ्री कैंप के लिए वो उसका एडवर्टाइजमेंट करना होगा, तो कुछ पैम्पलेट छपवाता है जो कि सस्ते पड़ते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, उसको आसपास की पूरी कॉलोनी में वो बटवा देता है पैम्पलेट की इस दिन ये फ्री कैंप है। और जब वो फ्री कैंप के लिए लिख रहा है तो वो क्या क्या करता है अपने क्लिनिक में, वो सारा डिस्क्रिप्शन, उसके पास क्या मशीन है, वो क्या कैसा क्वालिफाइड है, वो सारा कुछ डालता है, अपना फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो क्लिनिक का होता है, क्योंकि अभी वो लड़का नहीं रख सकता, इतना फाइनेंसिस नहीं है, खुद का पर्सनल नंबर देता है। और जो भी कोई फोन करता है उसको हर नंबर वो उठाता है, या तो हर नंबर उठाता है, नहीं उठा पाए तो कॉल बैक करके उनको इन्फॉर्म करता है। तो ये उस इस तरह से वो अपनी शुरुआत करता है सेम 3 लोगों के क्लिनिक में, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि ए वाले के पास जहां 7 दिन में एक पेशेंट आया था, इसके पास 7 दिन में 7 से 10 पेशेंट आ जाते हैं, 10 पेशेंट आ जाते हैं जो इनको वो उसी शिद्दत से देखता है जैसे वो ए वाला ने एक को देखा, 10 के 10 को वो वैसे ही अच्छे से देखता है। लेकिन साथ ही साथ में 10 में से एक पेशेंट ऐसा होता है जो उसके पास डायरेक्ट भी आया हुआ होता है, तो उसको उसको लगता है कि ऑर्थोपेडिक्स वाले को भी दिखाने की जरूरत है। तो जिस ऑर्थोपेडिशियन से मिलकर आया था उसके पास उसको बोलता है, रेफर करता है कि वो अच्छे डॉक्टर है, उनको जाके आप एक बार दिखा कर आइए। एक दुबला पतला लड़का जिसको थोड़ा मसल्स गेन करनी है, वो चिंतित है और उसको कुछ एक नी में प्रॉब्लम है और वो फिजियोथेरेपी करवाने के लिए आया है, किसी के थ्रू, किसी के द्वारा भेजा गया, उसको वो सलाह देता है कि जिम ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं तुम कहां रहते हो, अरे तुम तो इसी जिम के आसपास रहते हो, जिम ज्वाइन करो, बेटर होगा, तुम्हारी बॉडी बेटर होगी। जिम वाला खुश होता है और बोल देता है कि जिम वाले को बता देना कि मैंने बोला है तो आपको अच्छे से देखेंगे। जिम वाला खुश होता है कि देखिए मेरे पास इसने एक नया क्लाइंट भेजा, ऑर्थोपेडिशियन खुश होता है, और इस तरह से उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए फेथ बनता है, ठीक है। तो वो एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि कहीं भी आपको इलीगल प्रैक्टिसेस या कमीशन देना, कमीशन लेना, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान रखें। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं है और एक बड़े और अच्छे डॉक्टर के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो आप अभी जो शुरुआत भी आप करोगे तो भी आपको शुरू से ही बड़ा और अच्छा रहना, ठीक है, आपका एटीट्यूड बड़ा होना चाहिए। तो ये सब, ये छोटे मोटे काम नहीं करने आपको, कमीशन देना, कमीशन लेना, लाइक दैट। एक अब तीसरा डॉक्टर सी है, डॉक्टर सी पूरी टाइम नजर रखा हुआ है कि यार ये ए के पास तो एक ही पेशेंट आया, बी के पास 10 पेशेंट आ गए एक हफ्ते में, इसकी स्ट्रैटेजी को पूरा अपनाते हैं और वो भी हर वो काम करता है जो बी कर रहा है, ठीक है। लेकिन भीतर से उसमें एक एरोगेंस एटीट्यूड में, उसमें केयर गिविंग की भावना नहीं है। तो इसके पास भी 7 से 10 पेशेंट आते हैं पहले हफ्ते में, लेकिन इसके एटीट्यूड में वो जो निगेटिव वाइब्रेशन होते हैं पेशेंट्स को, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ लगता है, ठीक है। वो सिंसियरिटी भी नहीं है और नॉलेज में अपडेट होने की इच्छा नहीं है। ये जो बी वाला है एक काम और करता है, मैं भूल गया बताना आपको, बी वाला एक और काम करता है, जब रात को जाता है घर पर तो अपना नॉलेज को ब्रशअप करता है, जो पेशेंट उसके पास आए हुए होते हैं, कुछ उसको नहीं पता होता है तो वो उसको रेफर करता है कि इसके लिए ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है इसको बेहतर करने के लिए, मतलब अपने आप को अपडेट करने, अपने आप को नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करता है, खाली टाइम में अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करने की कोशिश करता है। तो एंड रिजल्ट क्या होता है, 2 साल के बाद ए वाला ग्रेजुअली ग्रो करते हुए कुछ थोड़े बहुत पेशेंट्स उसके पास आते हैं, लेकिन बी वाले के पास भीड़ बढ़ती जा रही है। और जब एक बार भीड़ बढ़ने लगती है तो भीड़ देखकर भीड़ आने लगती है। आप लोग भी ऐसा करते होंगे, जिस वीडियो को ज्यादा व्यू मिले होते हैं उसको आप जल्दी देखते हैं, है ना, यूट्यूब पर ही देख लें आप। तो जहां पर खाली होता है वो ए वाला बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा प्रोफेशनल है, शायद बी से बेहतर हो, लेकिन जब कोई क्लाइंट उसके पास जाता है और रिलेटिवली खाली क्लिनिक देखता है उसका, तो उसको एक डाउट होता है यार कि ये चलता क्यों नहीं है, चलता नहीं है तो वो बी के पास शिफ्ट हो जाता है क्योंकि वहां भीड़ है। तो इस तरह से बी वाले की भीड़ प्रोग्रेसिवली बढ़ती जाती है, ए के पेशेंट भी वो कैप्चर कर रहा है और सी के पास तो बहुत कम है ऑलरेडी, क्योंकि सी के पास कम होते जा रहे हैं। सी का मैंने बताया नहीं, सी के खराब एटीट्यूड की वजह से उसको एक इनिशियल स्टार्ट तो मिलता है लेकिन फिर वो डंप होना शुरू हो जाता है। सेम जैसे यूट्यूब का एग्जाम्पल है, जिन वीडियोस के खूबसूरत थंबनेल होंगे लेकिन कंटेंट भी अच्छा होगा वो ज्यादा चलने की संभावना होती है, लेकिन खूबसूरत थंबनेल है लेकिन कंटेंट अच्छा नहीं है तो एक आध वीडियो उसका चल जाएगा लेकिन सब्सक्राइबर काउंट बहुत अच्छे नहीं बढ़ेंगे उस चैनल के, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ, कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। सेम प्रिंसिपल यहां भी लागू होगा। तो दोस्तों ये 3 केस सिनेरियो में मैं कहां स्टैंड करता था, डॉक्टर ए, डॉक्टर बी, डॉक्टर सी। मैं जब एम्स जैसे शानदार इंस्टीट्यूट से लौट कर आया जबलपुर और
क्योंकि मैं मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन में मुझे कोई बहुत अच्छी नहीं थी मेरे पास, और मैं एज ए स्टूडेंट लौट के जब आया मेरे पास सिर्फ 23,000 रुपए थे मेरे अकाउंट में, और तब मैंने प्रैक्टिस जब शुरू की जबलपुर में 2008 में, ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा क्लिनिक किराए पर लिया था जिसमें मेरे पेशेंट और मैं एक ही, मेरे पास कोई वेटिंग रूम नहीं था, कोई लड़का भी नहीं मैंने रखा था, ठीक है। अब मैं इनमें से ए बी और सी में से कौन सा था आपको पता है? मैं डॉक्टर ए था, जो हाईली क्वालिफाइड होकर एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में पहला था जबलपुर से जो मैं जो लौटा हूं वहां से ट्रेनिंग लेकर, और वहां सेलेक्ट होने वालों में से, और फिर निम्स हैदराबाद जैसे इंस्टीट्यूट में भी रहा, और अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड होने के बाद मैं एक बोर्ड लगाकर क्लिनिक पर बैठा रहता था। 7 दिन में पहला पेशेंट मेरे पास आया था और मैं बहुत खुश हुआ था, मैंने बहुत अच्छे से उसे देखा था, सेम मैंने ये किया था, उसको नंबर दिया था जो ए ने किया, लेकिन बहुत ही ग्रेजुअली मैं ग्रो कर रहा था। और जिस दिन 3 पेशेंट आ जाते थे मेरे पास, उस दिन मैं मम्मी को फोन करके बताता था अपनी, मम्मी आज मेरे पास 3 पेशेंट आए, ठीक है, ये मेरी हालत थी। लेकिन आज 2010 साल हो गए तकरीबन, अब मेरे क्लिनिक के बाहर मजमा सा लगता है, ठीक है, और मैं जब पहुंचता हूं उसके पहले ही बहुत भीड़ वहां पर हो चुकी होती है, वहां पर जो है लोग घंटों इंतजार भी करते हैं, और कई बार मैं पूरे जो दिन भर का काम है खत्म भी नहीं कर पाता हूं, मुझे उसको अगले दिन या बाद के लिए पोस्टपोन भी करना पड़ता है टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। तो ये जो ए डॉक्टर था इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि जो बी की तरह, तो वो बता दूं ये अनजाने में, इसलिए मैं आपको ये केस स्टडीज टीम की तरह बता रहा हूं क्योंकि मेरे ही लाइफ एक्सपीरियंस है। बी की तरह एक्चुअली मैंने सेल्फलेसली, क्योंकि मुझे राइटिंग का शौक था, मैं लिखना, मैं कभी राइटर भी बनना चाहता था, मेरी 2 किताबें भी हैं, जो लोग फेसबुक से जुड़े हैं मेरे वो जानते हैं मैं कैसा लिखता हूं क्या लिखता हूं। तो मैंने सोशल मीडिया पर और साथ में अखबारों में लिखना शुरू किया स्वास्थ्य आर्टिकल्स, ठीक है, हेल्थ आर्टिकल, और टीचिंग क्योंकि मुझे अच्छी लगती थी हमेशा तो मैं टीचिंग कर ही रहा था। तो ये जो मेरे स्टूडेंट्स थे, ये जो मेरे पढ़ने वाले थे, इन्होंने इस ए को बी अनजाने में बना दिया। इट वॉज नॉट माई एफर्ट, मैं किसी के पास काम मांगने नहीं गया, किसी को बोला नहीं, क्योंकि मेरे ए वाले जो होते हैं ना, जो ए में जो फिजियोथेरेपिस्ट का मैंने एग्जांपल लिया, अंदर से उनको ऐसा लगता है मैं अच्छा हूं तो यार एक दिन अच्छा हो ही जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, लाइक लोग मुझे पहचानेंगे। बट एक्चुअली आजकल की सैचुरेटेड एनवायरमेंट में जहां बहुत सारे इक्वली क्वालिफाइड लोग एक सिटी में होते हैं, मेरे समय में 100 पीडियाट्रिशियन थे, बाद में मैंने एलर्जी का तो मैं बाद में काम शुरू किया, तो 100 पीडियाट्रिशियंस के बीच में आपको दिखना है अलग, तो आपको अलग एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे जो बी को है। जिम्मेदारी हर अच्छे प्रोफेशनल की खुद की है कि वो अपने बारे में लोगों को बताए कि वो अच्छा है, अदरवाइज आप कम्युनिटी का, सिर्फ खुद का लॉस नहीं करे, कम्युनिटी का भी करते हैं, क्योंकि ऐसे में वो सी वाले लोग फायदा उठा जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करके अपना बिजनेस चला लेते हैं और लोकप्रिय हो जाते हैं, जबकि अंदर से उनमें वो पवित्रता नहीं होती केयर की। तो हर, ये ध्यान रखिए, हर ए डॉक्टर को जो ए जैसा डेडिकेटेड है, सिंसियर है, अच्छी भावना रखता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो बी जैसे खुद को प्रमोट करे, ठीक है। तो मेरे साथ ये अनजाने में हुआ, मैं तो किसी उसके लिए नहीं कर रहा था कि मेरी प्रैक्टिस बढ़े, क्योंकि मुझे तो टीचिंग में मजा आता है, मैं आई वॉज सेटिस्फाइड विद दैट, बट ये होता चला गया। तो मेरे जितने भी यहां पर ऑडियंस हैं वो समझ लें, यदि आप ऑडियोलॉजी करने जा रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, एमडी हैं, एमएस हैं, डीएम कर रहे हैं, एमसीएच कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, या आप एक ब्यूटिशियन हैं, आपका जिम है, जो भी आप कर रहे हैं, आप में ए और बी की मिक्स क्वालिटी होना चाहिए ह्यूज सक्सेस पाने के लिए। यदि दोनों में से एक भी मिसिंग है तो आपका आज के एनवायरमेंट में आई विश कि ए वाले को बिना कुछ किए भी सक्सेस मिले, क्योंकि वो डिजर्व करता है, वो अच्छा इंसान है। बट पब्लिक ऐसी नहीं है ना, पब्लिक नहीं है ऐसी, जहां भीड़ होती है वहां जाती है, जहां पर ढिंढोरा पीटा जाता है वहां जाती है। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, अच्छी अच्छी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं यदि उनकी मार्केटिंग नहीं हो, बहुत अच्छे कंटेंट वाली, बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल फ्लॉप हो जाते हैं यदि वो प्रॉपर अपने थंबनेल पर, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर ध्यान ना दे, बहुत सारे अखबार फ्लॉप हो जाते हैं अच्छे जो अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, टीवी चैनल्स फ्लॉप हो जाते हैं जो अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं ढिंढोरा ना पीटे तो, कितने ही वकील यदि ढिंढोरा ना पीटे तो गुमनाम रह जाते हैं, कितने ही बेहतरीन एक्टर्स यदि वो ग्लैमर अपने इर्द गिर्द और पीआर एजेंसी को हायर ना करें तो उन लोगों की फिल्में नहीं चलती हैं। ये आजकल का बिटर ट्रूथ है कि प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका बाहरी पैकेज और
मार्केटिंग हो गई है, तो क्यों ना अच्छे प्रोडक्ट वाले लोग जिनके पास जो अच्छा प्रोडक्ट है खुद में अपने आप में, वो इक्रिप करते रहने की जगह कि यार मेरी नहीं, मुझे लोग नहीं पहचान रहे, मुझे नहीं पहचान रहे, बी की क्वालिटी आप अपने में लाएं, अपना पैकेट और प्रोडक्ट को बेटर बनाएं, ठीक है। तो ये जो बी वाला है ये यही नहीं रुका, इसने आगे क्या डिसाइड किया, जब ये बहुत चलने लगा इसने डिसाइड किया, जिसमें ए और बी दोनों की क्वालिटी थी, मैं यही नहीं रुकूंगा, मैं दूसरे लोगों को एजुकेट करूंगा जिनको स्लो सक्सेस, ए वाले जिससे जो स्लो ग्रो हो रहे हैं या जो अनसक्सेसफुल पड़े हुए हैं, मैं उनको मदद करूंगा, उनको टिप्स दूंगा अपने एक्सपीरियंसेस से। तो उसने वो करना शुरू किया, उसने अपने क्लिनिक पर गरीब पेशेंट्स का फ्री इलाज करना शुरू किया, इससे उसको सेटिस्फेक्शन भी मिला और बाय प्रोडक्ट जो होती है फेम जो, वो अपने आप उसको मिलने लगा, ठीक है। तो या आपको किसी भी स्टेज में रुकना नहीं, इस बी वाले के पास ए और बी का जो कॉम्बिनेशन था, ए जो बी डॉक्टर है यहां पर, तो डॉक्टर बी के पास ऑप्शन था कि वो एक हॉस्पिटल खोल ले अपना और इतने जो पेशेंट उसके पास आने लगे हैं आप वो उसको उससे और कमाने लगे, लेकिन दूसरा ऑप्शन था कि वो दूसरों को एजुकेट करे कि कैसे सही डिजर्विंग कैंडिडेट कम्युनिटी में आगे बढ़े, पब्लिक को एजुकेट करे कि वो कैसे सही व्यक्ति को पहचाने, ठीक है, हमेशा ढिंढोरा पीटा जाए जरूरी नहीं। तो आपको करना क्या है, टिप में मैं समराइज कर दूं, शायद आप भूल गए होंगे, तो पहला आपको अपना एजुकेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे से डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करनी, मस्ती करना है यार, मस्ती करो, बॉयफ्रेंड बनाना, गर्लफ्रेंड बनाना, जो करना, घूमना घामना सब करो, लेकिन फोकस जब पढ़ाई हो तो पढ़ाई पर रखो, ठीक है। अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से लो, अपने भीतर केयर गिविंग का एक जज्बा लगातार अपनी सेल्स को रिमाइंड करो कि I'm thankful to God that God has given me such a wonderful opportunity to serve others. ये बार बार रिमाइंड कराओ खुद की सेल्स को, रोजाना कराओ, ठीक है। आपकी ये जो रिमाइंड जो भीतरी सेल्स है ना वो बाहर जरूर रिफ्लेक्ट होंगी। तीसरा, जब अपना हाईएस्ट पॉसिबल एजुकेशन लो, जो आपकी फैमिली परिस्थिति हो, आपका IQ हो, आपकी मेहनत हो, उसके अकॉर्डिंगली रुको मत, जल्दी कमाने की मत सोचो। फोर्थ स्टेप, जब आओ तो नौकरी करने से ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के विषय में सोचो, वो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा और जस्टिफाई करेगा आपके टैलेंट को। फिफ्थ, एक ऐसी लोकेलिटी को ढूंढो अपने लिए जहां पर नीड हो, जहां वैक्यूम हो, आपकी जरूरत हो, ये नहीं कि जहां पर बहुत चमक दमक हो, जहां आपकी जरूरत हो वहां जरूर जाना चाहिए, ठीक है। लोकल ट्रेन में आपने देखा मुंबई में खूब धक्का मुक्की होती है, लेकिन वही एक दूसरे शहर की जो खाली ट्रेन है वहां पर आराम से इंसान पसर के पड़ा होता है, नहीं तो आपको तो ऐसी भीड़ वाली जगह पर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, कहीं रुमाल फेंक के जो हमारे यहाँ करते थे, गमछा फेंक के अपनी सीट बुक कर देते हैं, कहीं धक्का मुक्की करते हैं, तब जाके सीट मिलती है या नहीं भी मिल सकती। लेकिन वही यदि खाली कंपार्टमेंट है जहां जरूरत है, मतलब खाली पड़ी हुई है जगह, वहां पर यदि आप उस प्रोफेशन को चुनेंगे, उस जगह को चुनेंगे, तो सक्सेस की एक वॉक होगी। देन फिफ्थ, अच्छी लोकेलिटी के बाद अपने क्लिनिक पर अपने सेटअप में सर्विसेज, साफ सफाई, इनका बहुत ध्यान रखो। अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनसे बहुत प्यार से बात करो। मैं अपने एम्प्लॉयज को कभी कभी फिल्म देना, दोस्त की तरह हम लोग फिल्म देखने चले जाते हैं, रेस्टोरेंट चले जाते हैं, खा लेते हैं साथ में, ठीक है, मेरे फ्रेंड है वो, तो उनको बहुत अच्छे से आप ट्रीट करो, क्योंकि वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग वाले हैं, वो आपके सारे फोन कॉल उठा रहे हैं पेशेंट के सबके, और वो यदि आप खुश नहीं है आपसे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। उनको सैलरी इतनी दो कि उनका घर भी चले अच्छे से डिसेंट वे में, आपकी ग्रोथ हो रही हो तो ये इंश्योर करो कि उनकी भी ग्रोथ हो, ठीक है। देन अपने प्रोफेशन में बेहद ईमानदारी और बहुत ही ज्यादा सिंस्योरिटी और अपडेट रहना हर प्रोफेशनल की बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। जब भीड़ बढ़ जाती है तो लोग साइंटिफिकली अपडेटेड होना बंद कर देते हैं, जबकि साइंस हमेशा चेंज होता रहता है। पीडियाट्रिक्स, मेरी जो पीडियाट्रिक्स है 10 साल पहले से अभी तक उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए, तो अपडेटेड रहना बेहद जरूरी, अपडेटेड रहना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और साथ में जो मैंने बताया कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए अपनी एडिक्वेट ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना चाहिए, वो कई तरह से की जा सकती है। आप जब सर्व करना शुरू करते हैं कम्युनिटी में लेक्चर, ये जो बी वाला फिजियोथेरेपिस्ट था इसने और भी कुछ किया, एग्जांपल्स दे देता हूं, जैसे कि ये स्कूल्स में गया, स्कूल्स में जाके लेक्चर प्रिंसिपल से बात किया कि मैं बच्चों को सिखाना चाहता हूं कि कैसे वो अपनी मसल्स को ठीक रखें, कैसे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं, वो इसको खेलने के पहले कौन से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, तो उसने ये वर्कशॉप की। गांव में गया, वो गांव में सरपंच से बात की और बोला कि मैं गांव वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है, मैं उन लोगों को कुछ एक्सरसाइजेस सिखाना चाहता हूं। तो ये हर संडे को या जब भी वक्त हो ये किया करता कम्युनिटी सर्विसेज, और जब कम्युनिटी सर्विस वो करता तो उसको बाय प्रोडक्ट में सक्सेस मिलती रहती। और सी वाला जो है वो समझ ही नहीं पाया, यार साला मैंने सब कुछ नकल की, हर चीज इसकी की, लेकिन मैं क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ। और जो ए वाला है
वो यही सोचता हुआ अभी भी बैठा है कि आई एम सो गुड, आई एम सो केयरिंग, बट ये लोग क्यों नहीं मुझे पहचानते। तो भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तो लोग तुम्हें पहचाने, कोई और आपके लिए ढिंढोरा नहीं पीटेगा। तो ये थी टिप्स अपने इर्द गिर्द भीड़ जुटाने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल की इर्द गिर्द भीड़ जुटाने में मदद कीजिए, क्योंकि मैं आपका अपना हूं। थैंक यू।